ग्यारसपुर में पुनः हुई कोरोना की दस्तक। ग्यारसपुर में देर रात्रि दो कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक महिला ग्राम ओलिया की निवासी है और वहीं एक रिपोर्ट ग्यारसपुर की निकली है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जो महिला ओलिया में निवासरत थी वो उसका मायका था। उसकी शादी सागर जिले के राहतगढ़ में हुई थी और उसका पति इंदौर में निवास करता है, जो कि फैक्ट्री में काम करता था। महिला गर्भवती थी, जो अपनी डिलीवरी के टाइम पीरियड में अपने मायके में आई हुई थी और उसकी 5 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने उपचार के लिए आई हुई थी और उसको विदिशा रेफर कर दिया, जहां उसकी कोरोना टेस्टिंग की गई तो उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली। वहीं ग्यारसपुर में एक परिवार जो कि सूरत से ग्यारसपुर आया हुआ था, जो 5 लोग सूरत से ग्यारसपुर आए थे, उनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर द्वारा सैंपलिंग की गई थी, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्ची की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निकली है। प्रशासन एवं अस्पताल प्रशासन ने उसको विदिशा रेफर कर दिया, जहाँ उसका उपचार हो रहा है। साथ ही यहाँ पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट एवं बफर जोन में शामिल कर दिया है। सुबह प्रशासनिक अधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की टीम ने यहाँ का निरीक्षण किया और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। वहीं ओलिया ग्राम को भी चारों तरफ से सील कर दिया, लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बंधित कर दिया है और लगा यहाँ पूरे क्षेत्र की सैनिटाइज कराई जाएगी। अभी कुछ देर पूर्व ग्यारसपुर SDM श्री संजय जैन से हमारी वार्तालाप हुई, उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में सर्वे करा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ का सर्वे कराया जाएगा और साथ ही जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं, जो कोरोना पेशेंट निकले हैं, उनके अगर जो भी क्लोज उसमें पेरेंट्स में आए हुए हैं, उनकी भी जाँच की जाएगी, उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। धन्यवाद। जो ग्यारसपुर क्षेत्र में जो दो कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, तो उनकी सुरक्षा एवं उनके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? हाँ, जैसा आप देख रहे हैं कि कल दो कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने ग्यारसपुर मिले हैं, उसमें एक कुशवाहा फैमिली से है और दूसरा सोनी फैमिली से है। तो कुशवाहा फैमिली जो है वो ऑल इंडिया में पॉजिटिव मिली हैं, वो महिला गर्भवती हैं, प्रेगनेंट हैं। इनका जिला अस्पताल विदिशा में इनका सर्जरियन ऑपरेशन हुआ है, बच्चा हुआ है इनके यहाँ। तो कल इनका जब टेस्ट कराया गया, एक दिन पहले टेस्ट कराया गया था, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहाँ पे अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। साथ ही एक सोनी फैमिली भी एक दो दिन पहले गुजरात से आई थी, तो उसका जब हमने रैंडम टेस्ट कराया, क्योंकि बाहर से आने वालों का लोगों का प्रोटोकॉल में कि उनका कोरोना टेस्ट होता है, तो कल इनका जो रिजल्ट आया तो उसमें एक 10 वर्षीय बेटी उनका कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो दोनों क्षेत्रों में ग्राम कोलिंजा में और ग्यारसपुर में हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया है। वहाँ पे हमने जो कंटेनमेंट हमारा जो प्लान है ना, CCV बोलते हैं इसको, उसके तहत हमने वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाया, वहाँ पे ड्यूटी ऑर्डर निकाले हमने। इसके साथ ही वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी लगातार पुलिस की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रही है। वहाँ पे हमने हेल्थ सर्वे भी करा दिया है, क्योंकि कई कोरोना कार्यक्रम अभियान पहले से चल रहा था, तो इसके तहत हमने उस एरिया में कंटेनमेंट जो हमने बनाया उसमें प्राथमिकता से हेल्थ सर्वे सभी का करा दिया है। साथ ही हमने वहाँ पर सैनिटाइज पूरा एरिया को सैनिटाइज भी कराया है और उसको पूरे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और उसको पूरा बैरिकेडिंग करा के सुरक्षित कर दिया है। तो सर, ये क्वारंटाइन एरिया जो रहेंगे, सील रहेंगे, कब तक रहेंगे? इसका प्रोटोकॉल 21 दिन का है वर्तमान में, MHA की गाइडलाइन के साथ 21 दिन का रहेंगे। अगर उसमें कोई संशोधन होगा तो कम कर देंगे। तो सर, ये बाकी जो जितना क्षेत्र सील रहेगा उसमें आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा? हाँ, इसलिए पहले कंटेनमेंट जो जोन बनते थे उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत बड़े बनते थे, वर्तमान में कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उनको शासन की गाइडलाइन के साथ थोड़ा छोटा कर दिया गया है, तो उसमें पूरा आवागमन प्रतिबंधित रहता है और वहाँ पर जो लोग रहेंगे उनको कुछ आवश्यकता रहेगी तो उनसे संपर्क करके उनको आवश्यकता की पूर्ति कराएंगे। ग्यारसपुर ब्लॉक में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो उनमें क्या क्या लक्षण पाए गए? नहीं, ये इसमें से जो एक मरीज थी वो गर्भवती महिला थी, जो ओलिंजा की रहने वाली थी, उसको यहाँ पर डिलीवरी के लिए लाए थे, उसको रेफर करा गया था विदिशा में। उसकी जाँच हुई थी, जाँच में पॉजिटिव आई हुई है। तो उसकी क्या डिलीवरी विदिशा में हुई या ग्यारसपुर? विदिशा में उसकी डिलीवरी, विदिशा में सीजर ऑपरेशन हुआ इसका, और ऑपरेशन से उसकी डिलीवरी हुई, वहाँ पर उसको लगा, वहाँ पर उनको जाँच भी करके देखी तो उसका सैंपल पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरी एक फैमिली गुजरात से सूरत से आई थी, उनके सभी के रैंडम सैंपलिंग करी थी अपन ने, 5 मरीज जो लोग उनके घर के आए थे
छः की सैंपलिंग करी थी, उसके अंदर से एक बच्ची 10 साल की वो पॉजिटिव निकली है। उसको उपचार के लिए कहाँ पे सब विदिशा डी सी एस सी विदिशा में भेजा है उनको उसको उपचार के लिए वहाँ पर। बाकी उनके जो सर परिवार के सदस्य हैं वगैरह हैं तो उन लोगों की सैंपलिंग या जांच उनकी भी होगी? उनकी भी जाँच होगी। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं अपन, जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट रहते हैं जो उसके कॉन्टैक्ट में आए होंगे, तो उसके परिवार की 5 लोगों की तो जाँच उसकी ऑलरेडी हो चुकी है पहले, और बाकी अभी आज हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी तो परिवार में 9 लोग हो रहे हैं उसके बच्ची के, तो वो 9 लोगों की जांच होगी हाई रिस्क में जो आएंगे। और जो ओलिंजा वाली महिला है गर्भवती महिला, उसके हाई रिस्क में 11 लोग होंगे, तो उनकी 11 लोगों की और इनकी 9 लोगों की 5 से 14 दिन के बीच में जांच होगी।